गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और हम सो के उठ चुके हैं थोड़ी देर पहले। हमने झाड़ू वगैरह लगा लिया था, तो अब मैं इधर रख रही हूँ चाय। चाय में थोड़ी सी पानी और दूध, फिर खोलने के बाद उसमें हम थोड़ी सी चीनी चाय पत्ती डाल के फिर ये मेरा चाय हो रहा है। थोड़ी देर इसको उबाल आने देंगे अच्छे से, इसको थोड़ी देर अच्छे से लो फ्लेम पकाएंगे, उबाल आने देंगे, फिर इसको अच्छे से उबाल करके चाय बना करके फिर इसको हम ग्लास में छान लेंगे। तो फिर इसको अच्छे से हम छान के, तो हमारा ये चाय बन के रेडी है। तो हमने चाय को दे दिया और फिर इधर हम सुबह का जो थोड़ी रात में तो हमने बर्तन धो ही लिया था, जो थोड़ी बहुत बर्तन थी फिर उसको हमने धोने के लिए ले लिया। अभी हमने चाय बनाया तो फिर उसको खाली करके अब उसे हम धो रहे हैं। जितनी सारी बर्तन है सबको हम खाली करके हम ले लेंगे इसको धोने के लिए। मतलब सुबह सुबह थोड़ी बहुत हो ही जाती है बर्तन, तो फिर उसको हम अच्छे से साफ़ सुथरा कर लेंगे। तो हम सारे बर्तन को धीरे धीरे अच्छे से ब्रश लेके उसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। फिर साफ़ करने के बाद सुबह सुबह मतलब रात को जितना भी धो लो फिर सुबह हो ही जाता है बर्तन, तो उसको हम अच्छे से, तो हम सारे बर्तन को एक एक करके अच्छे से हमने धो लिया। फिर इसको हम पानी से अच्छे से साफ़ कर लेंगे सारे बर्तन को। तो हम सारे बर्तन को एक एक करके अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे। फिर उसको साफ़ करने के बाद अच्छे से धो करके फिर हम इसको हम रख देंगे। फिर इधर हम बर्तन को वहाँ से हटा के फिर उसको हम अच्छे से साफ़ कर लें। फिर उसके अंदर हम बना रहे हैं चना दाल का तड़का। तो चना दाल का तड़का के लिए हमने लिया था लहसुन प्याज जीरा धनिया और थोड़ी सी जीरा मिर्च, दोनों का पेस्ट बना लिया। हमने कुकर रख दिया था, कुकर में हमने ऑयल थोड़ी सी जीरा मिर्च फिर उसके बाद मसाला हमने डाल दिया उसमें, नमक हल्दी हर चीज़ हमने डाल के उसको हम तब तक सीटी लगने देते हैं। इधर हमने सब्जी कट कर लिया, काट रहे तब तक भुजिया के लिए। भुजिया के लिए हमने सब्जी में ले रखा आलू भिंडी और परवल। तो सारी सब्जी हम अच्छे से धोकर कट कर लिया। और इधर जब मेरी तड़का हो चुकी है और इधर हम भुजिया का तैयार करेंगे। तो भुजिया हमने काट लिया है। फिर इधर हमने गैस पे कढ़ाई रख दिया, कढ़ाई में हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद इसमें हम डालेंगे यही भुजिया, इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे, मिर्ची लहसुन ये प्याज वगैरह कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि बच्चे खाएंगे, बच्चे के लिए वो कुछ नहीं खाती है। तो इसके लिए हम इसमें क्वांटिटी अनुसार हल्दी स्वाद अनुसार हम नमक देंगे। फिर इसको हम अच्छे से चला देंगे। चलाने के बाद इधर हम तब तक आटा गूँथ लिए हैं रोटी बनाने के लिए, तो इसको होने में थोड़ी टाइम लगेगी भुजिया को, तब तक हम इधर रोटी बना लेते हैं फटाफट। तो हमने रोटी हम फर्श पे टाइल्स पे ही बनाते हैं, रैक पे ही, हम चोकला का यूज नहीं करते हैं, इसी पे हम रोटी बनाते हैं। तो हमारा ये फर्स्ट रोटी बन रहा है। तो हमारा फर्स्ट रोटी बन के रेडी हो चुका है, अब मैं सेकेंड रोटी बना रही हूँ। तो ये हमारा रोटी बन के रेडी हो गया। अब मैं इधर भुजिया थोड़ी देर थोड़ी चला दूँगी, तो मेरा सेकेंड रोटी हो गई। तो इसको भी हमने निकाल लिया। फिर इधर आओ, इधर मेरा तड़का भी बन के रेडी हो चुका है। तो हमने इधर थाली लगा लिया है, भुजिया और तड़का रोटी। तो हमारा ये नाश्ता सुबह का कैसा लगा आप लोग बताइएगा। और फिर इधर थोड़ी हमने रात में घी बनाया तो वही डाल ही था और चीनी हमने ले लिया था खाने के लिए। तो ये इसका थोड़ा सा हो रहा है मस्ती, ये मतलब हमेशा जब भी मतलब खेलती है तो पानी से ही, बच्चे को पानी से इतना मतलब खेलने का रहता है पता नहीं। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, हम दोपहर में सो चुके थे, सो के उठ के फिर हम ये मतलब बाहर कपड़ा फैला रखा था तो हमने सारे कपड़े को ले आया। फिर उसको हम अच्छे से तय लगा देंगे। तय लगाने के बाद सारे कपड़े को तय लगाने के बाद उसको हम अलमीरा में सेट कर देंगे। अलमीरा में सेट करने के बाद फिर थोड़ा सा हम बेड शीट भी, शाम का टाइम हो रहा था तो हम सोच रहे थोड़ा बेड शीट भी सफाई कर लेते हैं। तो हम सारा कपड़ा को अलमीरा में सेट कर देंगे। सारे कपड़े को हम अलग अलग रखते हैं, बच्चे कपड़े अलग अपना अलग और अपने हस्बैंड का अलग रखते हैं। सारे कपड़े को हम अच्छे से अलग अलग हमने रख दिया। ये दो कपड़े बाहर ही रह गए तो हमने इसको तय लगा के बाहर ही रख दिए।
तो हम सारे कपड़े को अच्छे से तेल लगा के रख दें, अलमीरा में सेट कर दें। फिर उसके बाद जिस घर में बच्चे उस घर में तो सामान इधर उधर फैला ही रहता है। फिर हम बेडशीट भी हमने सारे अच्छे से उसको हमने इधर उधर कर ठीक कर दिया। फिर उसको हम अच्छे से झाड़ दिया था। फिर शाम का टाइम होते जा रहा था, हमने झाड़ू लगाना स्टार्ट किया। तो फिर हम इधर सारे सामान को इधर उधर समेट के फिर उसके बाद हम झाड़ू लगा रहे। यह है रूम, रूम में हम झाड़ू लगाने लेंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे किचन में, तो किचन में भी हम अच्छे से झाड़ू लगा रहे। इस टाइम पता नहीं कौन सा मौसम चल रहा है, जो मतलब हवा चलती है इतनी सारी धूल उड़ती है इधर उधर धूल, मतलब झाड़ू कितना भी लगा लो वो तो गंदा हो ही जाएगा। तो हम इस टाइम हम अभी लगा रहे हैं झाड़ू, शाम का टाइम हो रहा था। मौसम इतना अजीब चल रहा है, मतलब पूरा हमेशा हवा हवा बहते ही रहता है इस टाइम में, तो शाम के टाइम में तो और हवा बहते रहता है। तो फिर हम इधर झाड़ू वगैरह लगा लिया, कचरा हटा के रख दिया था, हमने हाथ वगैरह धो लिया था। तो हम थोड़ी सी चावल बनाएंगे जो बच्चे को मतलब कुछ न कुछ थोड़ी टाइम पे देना ही चाहिए ताकि उसका पेट भरा रहना चाहिए। तो इधर हम बनाएंगे चावल, तो हम चावल के लिए इधर हम गैस पे हमने पानी रख दिए, अदहन कोई मतलब अदहन भी बोलता है, हम भी बोलते हैं, पर इधर हमने पानी रख दिया है। पानी के बाद वो गर्म हो चुका था, तो हम सोच गर्म होने तक तब थोड़ा सा हम तब तक साफ कर लेते हैं रैक को। रैक में हमने साफ नहीं किया था, वो गंदा ही था। एक बार हम कचरा हटाते, फिर उसके बाद दूसरी बार हम भिगा के कपड़ा फिर उसको अच्छे से पोछ देते हैं, साफ कर देते हैं। तो हमने साफ कर लिया, इधर मेरा पानी खोल गया था, तब तक हम इधर चावल धो रहे थे। चावल हमने ले लिया, चावल को हमने अच्छे से दोनों हाथ से मल मल के उसको हम अच्छे से साफ कर देंगे। तो हमारा चावल साफ़ हो चुका है, अब उसको हम उसमें डाल देंगे पानी में। तो हमने पानी में डाल दिया चावल, चावल फिर थोड़ी देर हम चलाएंगे। गैस को हमने लो रखा था, हमने फूल कर दें, फिर एक बार खोल जाए तो उसके बाद हम गैस को लो कर देंगे। तो ये हमारा चावल मतलब खोल चुका है, तो उसके बाद हम गैस को लो कर दिए। फिर इसको हम थोड़ी देर चलाएंगे, फिर थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे। थोड़ी देर के लिए हमने छोड़ दिया, तब तक मेरा चावल, इधर का मौसम तब तक इतना हवा बहता है, हवा में धूल मिट्टी हमेशा, मतलब घर वगैरह हमेशा गंदा होते ही रहता है। इधर मेरा चावल बन के हो गया है रेडी। रेडी होने के बाद उसको हमने पानी निकाल दिया था, तो अपने बाबू को खिला दिए थे। फिर इधर हो रहा है शाम का टाइम, शाम का टाइम तो हो ही रहा था। तो तब तक हम फूल में, सारे फूल में हम पानी दे देते हैं। मतलब इस टाइम में पानी नहीं दो तो एक तो खुद सूखते रहता है, और पानी नहीं दोगे तो और वो सूख जाएगी। मतलब इसमें पानी देना रेगुलर, मतलब शाम के टाइम हम रेगुलर पानी देते हैं सारे फूल। फूल में कौन कौन से फूल है पता नहीं, इसमें तो गुलाब का फूल हम जानते ही हैं। तो हमने सब में पानी ले, इधर ये टमाटर का पौधा, इसमें टमाटर ढेर सारी से दो तीन इसमें पौधा है, इसमें भी हम हर जगह पानी डाल दिया पता नहीं। तो हमने सब जगह पानी डाल दिया, हमारी बेटी आ चुकी है तो वो भी पानी देने के लिए, मतलब बच्चा को तो पानी से लगाव रहता ही है, उसको पानी देना है। आई होप वीडियो पसंद आए, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।